कल के लिए 4 चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, एक दो मूवीज देख लेता हूँ, रात को लगातार 4 घंटे बैठ के पढ़ लूंगा। और फिर अगले दिन, अरे ये कल ही तो पढ़ा था मैंने, याद क्यों नहीं आ रहा? सोचिए, आपको कोई पढ़ाई तैयार करना है जिसके लिए आपको 4 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है, तो आप क्या कहते हो, कौन सा ऑप्शन उस पढ़ाई को याद रखने में ज्यादा हेल्पफुल है? पूरी तरह से फोकस रह के 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेना, या उस 4 घंटे को 4 हिस्से में डिवाइड कर लेना? क्या पढ़ाई के लिए एक फिक्स डेली रूटीन एंड फिक्स प्लेस होना बेनिफिशियल है, या फिर कहीं पे भी जिस वक्त जैसे मन करे वैसे बैठ के पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल है? क्या स्लीप के साथ मेमोरी पावर का कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? क्या लेट नाइट पढ़ना चाहिए या अर्ली मॉर्निंग? क्या पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रैक्टेड होना अच्छा है या बुरा? इन सारे सवालों का साइंटिफिक जवाब मैं आज आपके साथ बेनेडिक्ट कैरी की न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक हाउ वी लर्न से शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप एग्जाम्स के लिए हार्ड स्टडी नहीं बल्कि स्मार्ट स्टडी कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया 1, व्हाट आर योर ब्रेन। एक पौधे की ग्रोथ के लिए उसको हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगातार 1.5 घंटे के लिए पानी देने से अच्छा है हर रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे पानी देना। दिन में एक बार में ही लगातार 3 माइल चलने के बदले उसे 3 हिस्से में डिवाइड करके हर बार 1 माइल करके चलना सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे ही लगातार 3 घंटे लग करके पढ़ाई करने से अच्छा है उसे 3 हिस्से में डिवाइड करके पढ़ना। बेनेडिक्ट इसको स्पेसिंग इफेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग कहते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूवन है, याद रखने के मामले में डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग या स्पेसिंग इफेक्ट परफॉर्मेंस अप टू 46% बढ़ा सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हम जब भी कोई मूवी या कोई वीडियो देखते हैं तो हमें स्टार्टिंग में कुछ चीजें और एंडिंग में कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहता है कम्पेयर टू मिडिल टाइम में जो सीन आते हैं। ऐसा होता है क्योंकि किसी भी सेशन के स्टार्टिंग में एंड एंडिंग में कंसेंट्रेशन हमेशा पीक में रहता है, इसलिए कोई सेशन जितना छोटा हो उतना ही ज्यादा फायदेमंद है। दूसरा रीजन, आप कोई चीज जितना ज्यादा भूलोगे और फिर उसे मेहनत करके याद करने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा वो चीज मेमोरी में और परमानेंट बन जाएगा। जब आप बीच बीच में ब्रेक लेते हो तो आप कुछ चीजें भूल जाते हो जिसे आपको रिकॉल करना पड़ता है, और इसी से वो और परमानेंट बन जाते हैं। स्मार्ट आइडिया 2, अनटेस्टेड फ्लुएंसी इज एन इल्यूशन। ऐसा कई बार होता है, एक टॉपिक पढ़ने के बाद हमें लगता है हाँ ठीक है समझ आ गया, याद हो गया है पूरा, और हम उसे छोड़ के दूसरा कुछ पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन फिर जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाते हैं हम याद नहीं कर पाते। इस चीज को फ्लुएंसी इल्यूशन कहते हैं। जब वो चीज आंखों के सामने है तब ब्रेन में एक इल्यूशन क्रिएट होता है कि हाँ याद हो गया है, असल में नहीं हुआ है। इसीलिए एक चीज 4 बार देख देख के पढ़ने से अच्छा है उसे 1 बार देख के पढ़ना और फिर बुक को बंद करके 3 बार जो पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करना। मुझे पता है ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि जब हम ब्रेन से एक्टिवली कोई इन्फॉर्मेशन रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं तो हमें मेहनत करना पड़ता है, और इसीलिए ज्यादातर टाइम हम इसको एस्केप करने की कोशिश करते हैं। ऊपर से फ्लुएंसी इल्यूशन तो है ही सपोर्ट करने के लिए, तो हमें इस ट्रैप को अवॉइड करना है। 20% रीडिंग, 80% रिसाइट। देखो यहाँ पे भी 80-20 प्रिंसिपल आ गया। स्मार्ट आइडिया 3, चेंज इज गुड। पता नहीं बचपन से मैंने कितनी बार सुना है, बेटा पढ़ाई के लिए एक फिक्स रूटीन बना ले और हमेशा चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर। अब उनको कौन समझाए कि साइंस कुछ और ही कहती है। 2 ग्रुप में स्टूडेंट्स को लेके एक टेस्ट किया गया। पहले ग्रुप को 20 मिनट के लिए एक ही रूम में बैठ के 50 वर्ड्स याद करने के लिए कहा गया, और दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स को 2 अलग अलग रूम में 10 मिनट करके उन 50 वर्ड्स को याद करने के लिए कहा गया। इसके बाद जब इन दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया तो एक रूम में बैठ के पढ़ने वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज सिर्फ 16 out of 50 वर्ड्स याद कर पाए। वही दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स जिन्हें 2 अलग अलग रूम में बैठ के पढ़ने के लिए कहा गया था वो ऑन एन एवरेज 24 out of 50 वर्ड्स याद कर पाए। यार कोई मेरे पेरेंट्स को ये बात समझाओ। स्मार्ट आइडिया 4, टेस्ट टीच मिक्स। हम बहुत कुछ पढ़ते तो है लेकिन उसमें से ज्यादातर चीज हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। इसे ओवरकम करने के लिए हमें पर्टिकुलरली हर एक टॉपिक पे मास्टरी गेन करना होगा, जिसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। टेस्ट टीच एंड मिक्स। सबसे पहला है टेस्ट, मतलब आपने कुछ पढ़ा और फिर तुरंत आपको खुद का टेस्ट लेना है। बुक को बंद किया या साइड में हटाया और फिर खुद ही खुद से सवाल पूछना शुरू, अच्छा बेटा बता यही क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप है टीच। आपने जो भी पढ़ा वो किसी दूसरे इंसान के साथ डिस्कस करना है। हो सकता है आपका छोटा भाई या बहन हो या आपका कोई दोस्त हो। टीचिंग भी एक तरह से पढ़ाई करना ही है। आपको किसी को कुछ सिखाने के लिए पहले से उसमें मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे जैसे लोगों को सिखाते चले जाओगे उतना ही ज्यादा उस चीज में आप और मास्टर बनते जाओगे। थर्ड एंड फाइनल स्टेप है मिक्स।
जैसे होते हैं ना एक्सरसाइज बुक्स के लास्ट में मिसलेनियस, वैसे ही आपको डिफरेंट टॉपिक्स को लिंक करके कोई प्रॉब्लम बना के उसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना है। ये चीज अगर आप अच्छे से कर पाओ तो श्योर हो जाना उस टॉपिक पे आपने कब्जा पा लिया है। स्मार्ट आइडिया 5, स्लिप प्लस स्नैप। दो ग्रुप में स्टूडेंट्स को लेके एक एक्सपेरिमेंट किया गया। दोनों ही ग्रुप को एक सेम टॉपिक सेम अमाउंट ऑफ टाइम पढ़ने के लिए दिया गया। इसके बाद उनमें से एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को एक नैप लेने के लिए कहा गया, लेकिन दूसरे ग्रुप को नैप लेने से मना कर दिया गया। फिर जब इन दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया तो जिस ग्रुप को नैप लेने के लिए अलाउ किया गया था वो लोग फार बेटर परफॉर्म कर पाए कम्पेयर टू द सेकेंड ग्रुप जिन्हें नैप लेने से मना कर दिया गया था। कई साइंटिस्ट का मानना है जब हम एक नींद लेते हैं तो नींद में REM स्लीप फेज के दौरान इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ब्रेन में परमानेंटली स्टोर होना शुरू होता है। ये वो वक्त है जब हमारे दिमाग में से अनइम्पॉर्टेंट डेटास को हटा के सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेटास को स्टोर करने की प्रोसेसिंग चलती है। इसीलिए एक अच्छा खासा नींद से उठने के बाद दिमाग बिल्कुल फ्रेश लगता है। तो दिन में एक नैप लेना कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदेमंद है। अब आते हैं स्लीप पे, क्या लेट नाइट पढ़ना अच्छा है या अर्ली मॉर्निंग। ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट का मानना है नींद के लिए सबसे अच्छा टाइम है रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। लेकिन अगर आपका इंटरनल बॉडी क्लॉक किसी वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है तो ये टाइम आपके लिए फायदेमंद ना भी हो सकता है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इस टाइम को मेंटेन किया जाए। नींद के मामले में सिर्फ इतना ध्यान रखना जरूरी है, 6 घंटे की नाइट स्लीप लेना नेसेसरी है। और हाँ, सुबह हो या रात हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब भी आपका माइंड फ्रेश रहे एनर्जेटिक रहे वही टाइम पढ़ने के लिए सही है। और एक बात, अगर अगले दिन आपका कोई थ्योरी सब्जेक्ट में टेस्ट है तो उस मामले में रात को जल्दी सो जाना ज्यादा बेहतर है ताकि इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड से ब्रेन में प्रोसेसिंग होने के लिए टाइम मिल सके। लेकिन अगर कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलास याद रखने हैं तो उन मामलों में थोड़ा लेट करके सोना साइंस के मुताबिक ज्यादा फायदेमंद है। स्मार्ट आइडिया 6, ज़िगार्निक इफेक्ट। हम में से ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि पढ़ाई के टाइम में डिस्ट्रैक्टेड होना बहुत ही बुरी बात है। लेकिन इन द अर्लियर 20th सेंचुरी एक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है ब्लूमा ज़िगार्निक, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस किया। किसी रेस्टोरेंट में एक वेटर जिस टेबल का बिल पेड हो चुका है उससे अच्छा जिस टेबल का बिल अभी तक पेड नहीं हुआ है उस टेबल का ऑर्डर ज्यादा अच्छे से याद रख पाता है। मतलब फिनिश टास्क के मुकाबले अनफिनिश टास्क के लिए मेमोरी ज्यादा अच्छे से काम करती है। आप भी कभी नोटिस करके देखना, जब हम पूरा रट्टा लगा के कोई एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एग्जाम से पहले तो हमें फिर भी कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम खत्म हो जाता है वो सारी चीजें हम जैसे तुरंत भूल जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कौन सा टास्क फिनिश्ड हो गया है या कौन सा अभी भी अनकम्प्लीटेड है, तो वो अनकम्प्लीटेड टास्क पे ज्यादा ध्यान देता है और कम्प्लीटेड को जितना जल्दी हो सके रिमूव करके स्पेस बनाने की कोशिश करता है। हम इस चीज को अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए जब आप किसी बहुत ही टफ या क्रिएटिव टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बीच में डिस्ट्रैक्टेड होना जैसे कि एक वर्क ब्रेक लेना या एक नैप लेना फायदेमंद है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तो ज़िगार्निक इफेक्ट काम करना शुरू करती है। मतलब अनफिनिश टास्क सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेसिंग होने लगते हैं जिससे नए नए आइडियाज दिमाग में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब अगर इस पूरे वीडियो को समराइज करूं तो बात यह बनता है, 1, लगातार पढ़ने से अच्छा है बीच बीच में ब्रेक लेके पढ़ना। 2, अनटेस्टेड फ्लुएंसी एक इल्यूशन है, हमें टेस्टिंग के बिना इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 3, पढ़ाई करने के लिए एक डेडिकेटेड टाइम एंड प्लेस के बदले डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस ज्यादा फायदेमंद है। 4, जो चीज हमने पढ़ा है वो पूरा याद रख पाने के लिए 3 स्टेप्स है, टेस्ट टीच एंड मिक्स। 5, एनफ स्लीप एंड एक शॉर्ट नैप पढ़ाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। एंड 6, क्रिएटिव मामलों में ज़िगार्निक इफेक्ट हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप और डिटेल्स में इस बारे में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके amazon.in से इस बुक को खरीद सकते हो। आखिर में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतना सा भी मदद मिले तो जरूर लाइक और कमेंट करके हमें बताइए। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझूंगा उतने लोगों को मैंने थोड़ा सा मदद कर दिया है, यही मेरी असली मकसद है। अगला वीडियो अगले हफ्ते, ऐसे और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करके हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मोर विजडम मोर सॉल्यूशन बेटर लाइफ।